हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से 39 तक के क्वेश्चन। आज की क्लास आपकी 7.2 पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कहा गया है साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस फलन को, इस क्वेश्चन को पूर्ण लिख लीजिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन का निशान हो गया, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है आपका पूरा संपूर्ण, यानी कि पूरी तरह से क्वेश्चन, ठीक है, पूर्ण रूप है इसका। तो अब यहाँ पर किस चीज़ का अवकलन दिख रहा है? तो अवकलन दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स का अवकलन। तो हम नीचे वाली वैल्यू को मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। तो 1 का हो जाएगा 0, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे टी का स्क्वायर डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा, तो टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी। इस माइनस को हमने बाहर लगा दिया, तो आई बराबर माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन, टू प्लस वन करेंगे तो माइनस का वन आएगा, ये भी माइनस का वन आएगा, ठीक है। और प्लस सी, माइनस माइनस आपके कट जाएंगे, और ये इनवर्स को नीचे लाएंगे तो वन बाई टी प्लस सी हो जाएगा। अब टी का केवल मान रख देना, टी का मान ये रहा, यानी वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। बेहद आसान, बेहद सीधा साधा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों देखिए, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। अंतर इतना है कि इसमें प्लस का cot x है, इसमें माइनस का tan x है, दोनों एक जैसे लगेंगे। हम आपको 32 नंबर करके दिखा रहे हैं, 33 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, 33 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा। क्या आंसर आता है आप हमें इसकी फोटो व्हाट्सएप पर भेज देना, या तो आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह आप लोग फॉलो भी कर लेना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम पूरी तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को साइन और कॉस के पदों में तोड़िए, 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा साइन एक्स, क्या आएगा एलसीएम, ऊपर तो आपका वन है, नीचे एलसीएम आपका साइन एक्स आएगा, साइन एक्स के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये साइन आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इतना होने के बाद हम करेंगे क्या, इसमें दो से गुणा और दो से भाग करना होगा। क्यों करना होगा अभी आप लोग समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। बस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या करने वाले हैं, दो से भाग, तो वन बाई टू ही आपका भाग हो गया,
और 2 से गुणा हो गया। ठीक है, हमें ऊपर वाले फलन को नीचे वाले फलन के जैसा बनाना है, क्योंकि नीचे वाला का कुछ अवकलन ऊपर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर 1/2, इसे हम लिखेंगे, लिख क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी ये ऊपर वाला नीचे जैसे बना क्या? नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम यहाँ पर और करने वाले हैं। ये आपका साइन एक्स, साइन एक्स में हमने कॉस एक्स जोड़ दिया। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि माइनस अब कॉस हम घटा देते हैं कॉस एक्स, और ये आपका प्लस का साइन एज इट इज चल रहा है, बटे में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसा बना हुआ, ये आपका डी एक्स है। ठीक, अब आगे समझिए। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस एक्स हमारा बन जाएगा धन का, साइन एक्स बन जाएगा ऋण का, और बटे में आपका एच टी चल रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का डी एक्स। अब इसे हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग किस प्रकार से, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका माइनस, और ये 1/2 और ऊपर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, जिससे यहाँ पर तो बनेगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये है आपका सवाल। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाइएगा तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, जब नीचे वाले का अवकलन ऊपर मजबूत है यानी कि उपस्थित है, तो इस वाले को हम मानेंगे। माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर डी टी अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमें मिलेगा। और इसका तो समाकलन ही एक हो जाएगा, इसका समाकलन ही बाद में हम एक कर देंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो 1/2 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे, इसको हमने टी माना, और डी टी अपान कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो ये आपका कट जाएगा और इसका हम अब समाकलन कर देंगे। 1/2 एक का हो जाएगा एक्स माइनस एक बटे दो, यहाँ पर 1 बचता है, तो 1/t का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, बस टी की वैल्यू आपको रखना है, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू ये रही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। 32 नंबर का आंसर, 31 नंबर में सेम टू सेम जैसा इसमें किया गया, जैसे यहाँ पर हमने 2 से गुणा हुआ भाग किया, वहाँ पर भी आपको 2 से गुणा हुआ भाग ही करके बनेगा। ठीक है,
सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कर पाया या नहीं। नहीं कर पाए होंगे तो हम कल की क्लास में करवा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 और 33, 33 तो आपका होमवर्क में रहा, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पहले पूर्ण रूप देंगे, पूर्ण रूप लिखेंगे यानी रूट टैन एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग समाकलन करेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें फेर बदल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हर में साइन एक्स से गुणा व भाग करने पर, हमें हर में करना होगा, ठीक है। हर में करेंगे ये बनेगा रूट टैन एक्स बटे, ये रहा आपका साइन एक्स बटे कास एक्स, ये तो हमने भाग दे दिया, गुणा करेंगे तो ये आपका कास जो एक्स है कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, उसके बाद साइन बटे कास आपका टैन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टैन एक्स बटे, ये आपका केवल टैन बनेगा टैन एक्स, और कास का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये रूट से अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर रूट टैन एक्स बचेगा, क्यों बच जाता है आपको पता है, जब आप किसी भी संख्या मान लीजिए ऊपर 5 है नीचे रूट 5 है, इस 5 को रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 लिख सकते हैं, तो रूट 5 से रूट 5 पर कट जाएगा, आपके पास रूट 5 ही बचेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है सेक स्क्वायर एक्स बटे रूट टैन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा है तो नीचे वाले को मान लेंगे, यानी माना टैन एक्स बराबर टी, तो टैन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को इसमें रखेंगे, इसको रफ कर दें, ठीक है। तो आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स रूट के अंदर हमने टैन को माना है टी, और डी एक्स बराबर डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स, ये आया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कट जाएगा ऊपर वन बचेगा, तो ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट टी इंटू डी टी। इसे हम ऊपर ले जाएंगे मतलब टी की पावर माइनस एक बटे दो हो जाएगा डी टी, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है उसके पावर में एक बटे दो, ऊपर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर एक बटे दो प्लस वन जोड़ेंगे तो वन बाई टू आएगा, यहाँ पर भी वन बाई टू प्लस सी, टू ऊपर जाएगा ये हो जाएगा टू और रूट टी प्लस सी, तो आई बराबर टू रूट टी की वैल्यू ये रही, यानी कि टैन एक्स, टैन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। अब 35 तो आसान है, बिल्कुल आसान है, क्यों आसान है देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर किसका अवकलन दिख रहा है, इसका अवकलन नीचे दिख रहा है, यानी इसे हम मानेंगे माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी,
तो एक का हो जाएगा जीरो प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी टी, ये बनेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये हो गया टी स्क्वायर और बटे में आपका एक्स रहा, डी एक्स बराबर क्या आया है एक्स डी टी, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर एक्स था, ठीक है, यहाँ पर एक्स था, एक्स से एक्स कट गया है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब बटे तीन प्लस सी, तो टी का हम लोग मान रख देंगे, ये रहा वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटे में तीन प्लस सी, ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 34 और 35 दोनों बेहतरीन तरीके से दिमाग में छप गए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, सबसे बेस्ट इसमें ये है, ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट है। क्यों बेस्ट है आइए समझिए। क्वेश्चन को पूरा हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, क्या बदलाव करना होगा, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले में एक्स हम कॉमन करेंगे, जब हम एक्स कॉमन करते हैं यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वन हो जाता है, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर वन बाई एक्स हो जाता है, यहाँ पर एक्स नहीं जिसको हम कॉमन करते हैं। ठीक है, और ये तो आपका एच डी चलता रहेगा, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स से एक्स आपका कट जाएगा और ये बनेगा वन प्लस वन बाई एक्स और एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका अवकलन ये लिखा गया है, इसको हम मानेंगे टी के बराबर, माना एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स दोनों जगह से कॉमन है तो हम डी एक्स कॉमन करेंगे, वन बाई वन प्लस एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर आएगा डी टी अपान वन बाई वन प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो आएगा वन प्लस वन बाई एक्स और इसको हमने टी स्क्वायर के बराबर माना, टी के बराबर डी टी अपान वन प्लस वन बाई एक्स, ये आपका कट जाएगा, तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर क्यों बटे तीन प्लस सी, बस टी का हमें यहाँ पर मान रख देना है, टी का मान है क्या, ये रहा, यानी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटे में तीन प्लस सी, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर तीन लिखा गया, ये भी आपका तीन ही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 37 को समझिए, इसको पहले कंप्लीट क्वेश्चन हम लिखेंगे जो कि आपका दिया गया है आई बराबर एक्स क्यूब साइन टैन इनवर्स एक्स की पावर फोर बटे वन प्लस एक्स की पावर एट इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर किसका अवकलन आपको दिख रहा है, अवकलन दिख रहा है इस साइन के साथ में जो थीटा के रूप में है टैन इनवर्स, माना टैन इनवर्स एक्स की पावर फोर बराबर टी, तो टैन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब टैन इनवर्स का कर दिया
लेकिन इसका नहीं किया, तो इसका हो जाएगा 4x3 एक्स का dx बराबर टी का dt। तो ये आपका बनेगा 1/1 + x^8 गुणे, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 4x³ और dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर आपका निकल के आएगा 1 + x^8 और ये आपका dt और बटे में आपका 4x³। ये रहा आपका dx बराबर। अब इसका यूज हम कर लेंगे, यूज हम करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, यानी 3x साइन ये रहा t और बटे में आपका 1 + x^8 dx बराबर आपका रहेगा 1 + x^8 बटे 4x³ dt। तो x³ कट जाएगा, 1 + x^8 से 1 + x^8 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1/4 और साइन टी इंटू dt। तो i बराबर 1/4 साइन टी का हो जाता है माइनस का कॉस टी, किसका, माइनस का कॉस टी प्लस सी। तो i बराबर, ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे, 1/4 कॉस टी का मान ये रहा, यानी टैन इनवर्स x^4 प्लस सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 36 और 37 दोनों आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपके दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 39, दोनों बहुविकल्पी प्रश्न, दोनों को बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया 10x^9 + 10x log e^10 बटे में x^10 + 10x dx बराबर है, ये आपके विकल्प लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम कुछ फार्मूला बता देते हैं, दो फार्मूला, कौन सा, अवकलन का। यदि अवकलन करना चाहते हैं x^n का, तो n x^n-1 ये तो होता ही है, एक आपका हो जाता है d/dx a^x का, a^x का अवकलन a^x log e^a, ये अवकलन होता है। ये दो अवकलन आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो किसका अवकलन दिख रहा है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा है, तो नीचे वाले को हम लोग मान लेंगे, नीचे वाले को मानेंगे। इसके लिए पहले हम इसको कंप्लीट नोट कर लेंगे, 10x^9 + 10x log e^10 बटे में x^10 × 10x इंटू dx। अब इस नीचे वाले को हम t के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना x^10 × 10x बराबर t। तो यहाँ पर x^n लग रहा, तो n x^n-1 करेंगे तो 9 आएगा, x का करेंगे तो dx आ जाएगा, प्लस ये अचर की पावर x यानी a^x, यह वाला फार्मूला खुलेगा, यानी a के रूप में आपका 10 है, यानी 10x log e^10 और x का हो जाएगा dx बराबर dt। तो dx आपका कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x^9 + 10x log e^10 बराबर dt। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं, आप चाहे इसको गुणे से भाग में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझिए, ये जो आपका है ये एज इट इज ये पूरा लिखा गया है, इनटू में dx किसके बराबर, dt के बराबर,
और तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी टी बटे में आपका इसको हमने टी के बराबर माना, ठीक है। अब इसका हम अवकलन, सॉरी समाकलन करेंगे, तो एक बटे टी का हो जाएगा लाग टी प्लस सी। बस यहाँ से टी की वैल्यू रख देना है, तो लाग टी की वैल्यू ये रही, एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस सी। अब इसमें आप विकल्प अपना ढूंढिए, कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर सही है ये वाला, ये आपका सही निकल रहा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ एक्स की पावर 10 है, 10 की पावर एक्स है, तो आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। उम्मीद है बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, और कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है, इसका हमें समाकलन करना है, और ये आपके चार विकल्प हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आई बराबर, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx की जगह पर एक बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसमें बदलाव करेंगे, क्या बदलाव करेंगे, आपको एक फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो एक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमने क्या किया, एक की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब इन्हें हम अलग अलग लिखेंगे इस प्रकार से, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा एक बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा एक बचेगा, तो ये हो जाएगा एक बटे कॉस, कॉस का उल्टा करेंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये आपका dx रहेगा, ये आपका प्लस, कॉसेक का व्युत्क्रम करेंगे साइन का, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, ये किसका अवकलन है, टैन का अवकलन है, तो सेक स्क्वायर का अवकलन टैन एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का cot x प्लस सी, ये हो गया समाकलन। अब मिलाइए ऑप्शन, आपका कौन सा मिल रहा है, साइन एक्स माइनस काट एक्स, साइन सॉरी टैन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो आज की क्लास कैसी रही बच्चों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 शुरुआत करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली 7.3 में मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ये कुछ हद तक ठीक चल रहे थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा कल की क्लास में, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। तो कल की क्लास हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, और इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।